बदली सिखाया आज आपने। हाँ, तुम्हारी बेबी ने नाश्ता ही इतना बदतर का बनाया। हद होती है वैसे, जानती भी है कि मैं ये सब ना नौकरों के हाथों का बना हुआ नहीं खाती, नहीं हूँ मैं इसकी आदी। उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मेरे ऊपर इस घर के दरवाजे बंद कर दें। पापा, उसकी इतनी जरूरत नहीं है कि वो आप पे इस घर के दरवाजे बंद कर सके। मगर ये घर तो उन्हीं का है ना। पिंजरे में रहने वाला परिंदा पिंजरे का मालिक नहीं होता, मालिक वही होता है जिसके हाथ में पिंजरे की चाबी होती है। अरे, हम चाय बना रहे थे यहाँ के पाए। ओहो, आधे से ज्यादा चाय तो गिरा दी। ये तरीका है सलीका मेहमानों को चाय देने का? भाई हद है। वैसे आप एक ही दफा क्यों नहीं कह देती कि आप इस घर में ना आया करें? कम से कम रोज रोज की इस बेइज्जती से तो बच जाएंगे हम। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिले। ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा, ठीक से काम क्यों नहीं करती? नहीं, वो गलती से मेरा, जल्दी बोलो जी, वो गलती से मेरा हाथ लग गया था तो वो थोड़ी सी गिर गई। मैं दूसरी। हाँ, दूसरी भी गिरा के ही लाइएगा। ये हमारे एहसानों का बदला दे रही है ना। लोगों को जगह जगह कहती फिर रही है कि मीर जाहिद तो इनके ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं। बस बेचारी बना दो इन्हें, जाइए ना। रुको, ऑफिस से कुछ पेपर्स आएंगे, उन पर साइन कर देना। जी। जाओ ना। जी। सारी ड्रामे बाजियां हैं, अदाकारियां हैं इनकी। अगर शुरू से तुमने इसको भेज के ना रखा होता ना, तो आज हमारे सरों पे चढ़ के नाच रही होती हैं साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आओ आओ, नाश्ता करो, हमारे साथ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। नहीं नहीं फूफो, मैं बिल्कुल नाश्ता नहीं करूंगा, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे ऑलरेडी कहीं जाना है। क्यों भाई इतनी जल्दी, क्या है? यार एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, 9 बजे हैड टू बी देयर, लेकिन अब 10 बज चुके हैं, सो आई हैव टू गो। मैं आपसे बाद में मुलाकात करूंगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आओ आओ, बैठो बैठो, नाश्ता करो। जी वैसे माशाल्लाह, बिल्कुल तुम्हारी जवानी कॉपी है। जवानी में बिल्कुल ऐसे थे तुम। भैया भाई, मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि तुम उमेर से शादी की बात करो। तुम जानते हो ना, बेवा बहन का आसरा बस तुम ही हो। एक जैसे उमेर के बाप हो ना तुम। जोया भी बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी बेटी। अब फिक्र ना करें आप, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं टालेगा। उमेर की शादी हमारी सोया बेटी से होगी। बस मैं तो सोच रहा हूं कि इन दोनों की शादी की तारीख का ऐलान भी बहुत जल्द कर दे। कुछ तो लीजिए बेटा। दो ना, मामू को कुछ दो। नहीं बेटा, मैंने ले लिया, आप मुझे वो तरह शामी के बाद पास कीजिए। कॉफी पे नाराज होने से उमेर तो नहीं आ जाएगा ना? कम ऑन। नो ना, ये बेचारा किसी प्रॉब्लम में फंस गया होगा, ट्रैफिक में होगा।
हाँ, गाड़ी पंचर हो गई होगी, सड़क में खड्डे होंगे, रोड से तो वो आता है, हम तो जहाज में आते हैं। सॉरी सॉरी। ओह गॉड। ज़ायरा, ज़ायरा, आई कैन एक्सप्लेन दैट। ये लो पकड़ो कॉफी, अब तुम पे लाओ कॉफी, भाई बहुत नाराज है। ज़ायरा, आई कैन एक्सप्लेन। जिन रिश्तों में एक्सप्लेनेशन देनी पड़े ना, वो रिश्ते रिश्ते नहीं रहते, मजबूरी बन जाते हैं। फाइन, आई एम सॉरी, कह तो रहा हूं ना। मैं तुम्हें आज एक्सपेक्ट कर रही थी, राइट ऑन टाइम। आई नो ज़ायरा, बट डैड की फ्लाइट थी यूके से, 4 बजे तो मैं वापस आया हूँ घर से, लेट हो गया इसीलिए। और उससे पहले, और उसके उससे भी पहले, तब भी फ्लाइट थी। अच्छा फाइन, क्या करूँ मैं, कान पकड़ूं, मुर्गा बनूं, क्या चाहती हो? अच्छा लिसन, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, चलो। और मेरी एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में तो भी टाइम है ना, चल। ज़ायरा, सोचा नहीं है तो सोच लो, तुम मुझे पसंद करती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो फिर शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? शादी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन शादी अभी मेरी प्रायोरिटी पे नहीं है। मेरी प्रायोरिटी पे इस वक्त करियर बनाना है, जॉब करना है। जॉब? ज़ायरा, यू नो हु आई एम, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, हम दूसरों की तरफ जॉब नहीं करते, लोग हमारी कंपनी में आके जॉब करते हैं, क्या जरूरत है जॉब की? उमेर, जॉब हमेशा पैसों के लिए नहीं की जाती है, जॉब अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए की जाती है। मुझे वक्त चाहिए सोच। कितना 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 वक्त चाहिए? हो सकता है कि एक लम्हे में कन्विंस हो जाऊं, और हो सकता है कि सारी जिंदगी वो लम्हा ढूंढती रहूं। अगर बात लम्हे की है ना, तो फिर उस लम्हे को ढूंढ निकाल के तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। ओके? चलो इसी बात पे, है यू गो। क्या ये? खुद खोल के देख लो। ये तुमने बनाया है? It's actually very good. ये भी एग्जीबिशन में जाएगा? नहीं? हर चीज एग्जीबिशन के लिए नहीं होती हूँ मैं। मम्मी कहाँ रह गई? हेलो। हेलो। वैसे तुम्हारी तारीफ करने का मुझे कोई शौक नहीं है, बट वेल डन। थैंक्स। तुम तो दोस्त हो, यही कहोगे, नाम के ही सही। यकीन नहीं आ रहा तो दुश्मन से पूछ लो। दुश्मन? अब मेरा मतलब दुश्मन जहाँ से पूछ लो। साथ तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। भाई मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, ज्यादा तो तुम दोनों की आंखें बोलती हैं। ज़ायरा, by the way, the exhibition was so good. अच्छा काम था तुम्हारा। थैंक यू। अगर तुम दोनों का मिलना हो गया तो घर चले। हाँ, बाय द वे मैं ज़ायरा को छोड़ दूंगा। नहीं, कोई आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, अम्मी आ रही है मुझे पिक करने के लिए हॉस्पिटल से। आप शी इज कॉलिंग। जी अम्मी पहुँच गई हैं, बस मैं बाहर आ रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलिए मैं निकलती हूँ, बाय बाय। ओके बाय।